एक्सरसाइज 18.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर चुके हैं, हम 5 स्टार्ट करेंगे। द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड इज 85 मीटर। एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है जिसकी आपको साइड दे रखी है 85 मीटर। व्हाट विल बी इट्स एरिया, उसकी एरिया क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द होल एरिया। यदि पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है प्लांटिंग करवाने में 5 रुपीज है, तो पूरे एरिया का जो है कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइड ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है 85 मीटर। हम लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई में साइड। ओके, देन 85 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, हमारा आया है 7225। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एरिया आ गया है, गॉट इट। अब हमें बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हमें फाइंड करना है 7 25 को मल्टीप्लाई 5। ओके स्टूडेंट्स, हमारा टोटल आ जाएगा कि टोटल होल एरिया को हमें करवाने में कितना एक्सपेंस आएगा। तो हमारा आएगा 36,125। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ अ हॉल। एक हॉल है जिसकी लेंथ आपको 65 मीटर दे रखी है एंड उसकी ब्रेथ जो दे रखी है 32 मीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एंटायर एरिया इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज इतना। सेम क्वेश्चन है, 5th की तरह आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू 65 मीटर, ब्रेथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू 32 मीटर। इसके हेल्प से आप एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू में ब्रेथ। 65 को आप 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर आप लिख लेंगे फोर्थ लाइन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज इतना। आपका पर स्क्वायर मीटर का रेट जो है इतना है, आपको टोटल का निकालना है, तो जो आपका एरिया आएगा उस एरिया को आप 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका होल एरिया का जो है फाइंड हो जाएगा कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है।